हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सोजत रोड में मास सैंपलिंग के दौरान 119 लोगों की हुई रैंडम सैंपलिंग। सोजत बीसीएमओ डॉक्टर जस्साराम सिर्फी व चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एनके विजयवर्गीय के निर्देशानुसार आज सोजत रोड हॉस्पिटल परिसर में सोजत रोड व आसपास में बाहर से आने वालों की सूची के अनुसार व गत दिनों में आए पॉजिटिव के संपर्क व उनकी फैमिली वालों की सूची बनाकर लैब तकनीशियन सुशील चौधरी, लैब सहायक प्रवीण कुमार सोलंकी व कैलाश सांगला की टीम ने डॉक्टर जितेंद्र कुमावत व डॉक्टर महेंद्र यादव की उपस्थिति में 119 लोगों की रैंडम सैंपलिंग कर सैंपल पाली मेडिकल कॉलेज जांच हेतु भेजे गए। इस मौके जीएनएम मोहन वंदावत, एएनएम चंद्रा टांक, दुर्गा देवी, इंद्रा देवी, डीईओ भीकनाथ, चेतन कुमार व आशा सुपरवाइजर पूर्णिमा श्रीमाली व समस्त आशा बहनों व ब्लॉक से मेल नर्स प्रथम जितेंद्र भार्गव, बीपीएम प्रेमाराम लोहिया, बीएचएस लक्ष्मराम भारती आदि का सहयोग रहा। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।